पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल परसबीघा से पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह सभी लोग दूसरे देशों के गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और फिर पैसों का आपस में बंटवारा कर लेते हैं। वितरण का जो एंड है उसकी पहचान कर रहे हैं और इस नेटवर्किंग का जो प्रधान है, जो सरगना है, उसकी पहचान हो चुकी है। निकट भविष्य में हम लोग उसकी गिरफ्तारी सुनेंगे। अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक खाता ऐसा है जिसके आधार पर यह प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। वो पैसा अबू धाबी से, फर्स्ट अबू धाबी बैंक से फेडरल बैंक को आया। उसके मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते 24 फरवरी को हुए हत्या में संलिप्त 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों अपराधी सुगौली में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस बल ने उन्हें एक कट्टा, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। दो मार्च को दो अपराध कर्मियों को सुगौली थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों का नाम है चुन्नू तिवारी और तबरेज आलम, जो सुगौली और आदापुर थाना क्षेत्र के क्रमशः निवासी हैं। ये दोनों इन दोनों के पास से एक कट्टा, एक पिस्टल, 6 गोलियां और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इन लोगों के द्वारा चुन्नू तिवारी और तबरेज आलम और अन्य कुछ अपराध कर्मियों के साथ मिलकर इन्होंने धनबाद के चिरकुंडा में 24 फरवरी को विनोद झा नाम के एक व्यवसायी की हत्या की थी। जो रोहतास जिले के सासाराम के आमझोर थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने पुलिस वाहन को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि इस हमले में थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही आमझोर सर्कल इंस्पेक्टर सहित 3 थानों की पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि रोहतास जिले के सासाराम के आमझोर थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमलावरों ने पुलिस वाहन को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि रोहतास जिले के सासाराम के आमझोर थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस वाहन को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। पर शेखपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोगों के पास से 5 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के खाता नंबर सहित कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान से साइबर ठगों में हड़कंप मचा हुआ है। में लोगों को फ़ोन करके ठगी का कार्य चल रहा है और इसी पे विशेष इन्फॉर्मेशन लेते हुए और सूचना के आधार पर एक रेडिंग टीम बनाई गई थी और जिसके तहत मोहब्बतपुर में रेड किया गया। रेड के क्रम में 5 व्यक्ति पकड़ाए, जिनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन और उनके पास से एक लिस्ट पकड़ाया जिसमें कई लोगों के नंबर थे। और साथ ही में जब उनसे पूछताछ की गई तो इनसे पता चला कि ये लोग एक वेबसाइट बनाए हुए थे लकी ड्रॉ नाम से, और उसी पर लोगों को प्रलोभन देते थे कि लकी ड्रॉ में उनको इनाम मिला है और एक नंबर दिया गया था, उस नंबर पे कॉल करने पर लोगों से ये ठगी करते थे रजिस्ट्रेशन के शुल्क। आपको एक बार फिर से बता दें कि शेखपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोगों के पास से 5 मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के खाता नंबर सहित कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान से साइबर ठगों में हड़कंप मचा हुआ है।
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि शेखपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि शेखपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। सीतामढ़ी जिले में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। ताजा मामला रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के बिलाही नीलकंठ का है, जहां 28 वर्षीय व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि देर शाम व्यवसायी लाल बाबू साहब दुकान बंद कर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान वायना पुल के पास अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राजधानी रांची के टिकली टोला स्थित एक मकान में पति और पत्नी का शव बरामद हुआ है। मामले में जिले के सीनियर एसएसपी ने विशेष टीम का गठन कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मृत पति पत्नी के भतीजे सुमित मुंडा को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस कांड का अनुसंधान जारी हुआ और अनुसंधान क्रम में ज्ञात हुआ कि चतुर्पहाना लखिया देवी की हत्या इसका अपना सगा भतीजा जिसका नाम सुमित मुंडा है इसके द्वारा किया गया। घटना के पीछे का जो स्वरूप ये था कि जो जमीन जायदाद बेचते थे वो पैसा इसको नहीं दिया करते थे ताकि यह मोबाइल या मोटरसाइकिल या अपने अन्य और शौक की पूर्ति कर सके। इसी खीस में झारखंड के जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि जिले के साक्ची थाना अंतर्गत बंगाल क्लब के नजदीक एक ब्यूटी पार्लर में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इस छापेमारी में 3 महिला और 3 पुरुष सेक्स वर्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस अभियान का नेतृत्व तो खुद सिटी एसपी कर रही है। सेक्स रैकेट चल रहा है, उस सूचना के सत्यापन के लिए एएसपी सिटी कुमार गौरव आईपीएस उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन करके छापामारी की गई। वहाँ जब उन्होंने छापामारी की महिला पुलिसकर्मियों के साथ में गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, लेकिन इस आयोजन में किसानों की सहभागिता कम रहने के कारण यह केवल औपचारिकता बनकर रह गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार ना होने के कारण किसान इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाए। वहीं इस आयोजन को लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने जिला प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लिया है। ताकि आप लोगों पर किसान के हित के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है दरअसल ये किसान के लिए ये है ही नहीं। और जो किसान आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो किसान बहुत कम संख्या में है और किसानों को इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग और बंदरबांट किया जा रहा है। ये कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी और सरकार को चाहिए। कोरोना काल के बाद ट्रेन से सफर करने वाले लोकल पैसेंजर के लिए एक अच्छी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार यात्री सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे में अलग अलग रेल खंडों पर 11 जोड़ी डेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। इन डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन अगली सूचना तक हर दिन किया जाएगा। वहीं त्योहार के मौसम में नजदीक का सफर करने वाले लोग इन ट्रेनों का इस्तेमाल करने से राहत महसूस करेंगे। बिहार में अब जल्द ही दूसरा खादी मॉल खुलेगा। आपको बता दें कि सोमवार को पटना के गांधी मैदान स्थित खादी मॉल का जायजा लेने पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इसकी घोषणा की है। उद्योग मंत्री ने कहा कि दरभंगा में बिहार का दूसरा खादी मॉल बनाया जाएगा।
जमशेदपुर में टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती की पूर्व संध्या पर जुबली पार्क में विद्युत सज्जा किया गया, जिसका उद्घाटन टाटा संघ के चेयरमैन रतन टाटा और एन चंद्रशेखरन ने किया। वहीं इस मौके पर टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने जमशेद जी टाटा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहने सन न्यूज के साथ। नमस्कार।